दिव्यांग अपने आप को निराश न समझकर अपने कार्य के प्रति सजग होकर स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यह बात नवजीवन दिव्यांग सेवा समिति एवं गोलछा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि पद पर गोलछा फाउंडेशन के सीईओ पवन सोमानी ने दिव्यांगों को सलाई कटाई कंप्यूटर व प्लम्बर स्वरोजगार प्रशिक्षण के दौरान अपने उद्बोधन में कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को सजग और जागरूक होकर लाभ उठाएं। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मांडलगढ़ के प्रधान सतीश चंद जोशी ने कहा कि दिव्यांग राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जागरूक होकर लाभ लें। हम सब दिव्यांग जनों का सम्मान करते हुए उनके अधिकारों के प्रति सजग होकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनके सशक्तिकरण के लिए पूर्ण सहयोग तथा हर संभव सहायता करने का संकल्प लें एवं इस तरह के प्रशिक्षण में भाग लेकर वह अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, जिससे वह अपना जीविकापार्जन अपना सकते हैं। कार्यक्रम में आईटी सेल की पूर्व प्रदेश संयोजक विभा माथुर ने कहा कि दिव्यांग जन समाज का अभिन्न अंग है। हम सबको मिलकर इन्हें संबल देकर मजबूत और सशक्त बनाएं, जिससे ये स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सभी अतिथियों का स्वागत नवजीवन दिव्यांग सेवा समिति के भेरूलाल मंत्री, जगदीश चंद मंत्री, मोहम्मद साबिर रंगरेज विकास काष्ट, पंकज त्रिवेदी ने किया। कार्यक्रम का प्रतिवेदन चंद्रकला वैष्णव ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव वंदना माथुर ने कहा कि दिव्यांग समाज के अभिन्न अंग हैं। दिव्यांगों को समाज में समान अधिकार व सम्मान मिले। कार्यक्रम में ज्वाला म्यूजिकल ग्रुप द्वारा देशभक्ति गीतों से संगीतमय कार्यक्रम हुआ, जिसमें दिव्यांगों ने भाव विभोर होकर नृत्य किया। इस अवसर पर प्रधान सतीश जोशी, एसडीएम उत्साह चौधरी, मांडलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह राठौर, जहाजपुर पुलिस उप अधीक्षक महावीर प्रसाद शर्मा, मांडलगढ़ विकास अधिकारी मुकेश जैमन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ब्लॉक प्रतिनिधि नंदलाल साहू, पद सदस्य जितेंद्र मुंदड़ा, सरपंच चंदा देवी प्रजापत, रामजस दादिच, मुस्तफा लोहार, मोतीलाल जाट, एस एस सिंह सहित आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद उस्मान रंगरेज ने किया। गोलछा ग्रुप अपने इसी क्षेत्र में काम करता है और इस क्षेत्र में काम करने करते हुए यहाँ CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तहत हम लोगों ने गोलछा फाउंडेशन की ओर से नवजीवन दिव्यांग समिति के साथ पार्टनरिंग की और यहाँ के लोगों के लिए अपनी तरफ से जो बन पड़ा करने की कोशिश की। तो मैं यहाँ पे यहाँ की डायनेमिक टीम और हमारे ग्रुप के संरक्षक श्री गोलछा जी की तरफ से आप सब लोगों को साधुवाद देता हूँ कि ये मौका हम लोग को मिला और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ें बार बार हो और हम इस इलाके के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे सकें। थैंक यू। आज नवजीवन दिव्यांग सेवा समिति एवं गोलछा फाउंडेशन की तरफ से काछोला में दिव्यांगों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला स्तरीय सम्मान कार्यक्रम था और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि ये जो समिति है ये पिछले लगातार 15 वर्षों से दिव्यांगों की सेवा के लिए कार्यरत है इस क्षेत्र में। और दिव्यांग हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है और उनको सशक्त करने के लिए जितना हमें आगे से आगे आना चाहिए उसका एक ही जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार से लोग स्किलिंग के माध्यम से उनके इस रोजगार को उत्पन्न करने के लिए ये समिति कार्य कर रही है। मैं सभी पदाधिकारियों और समिति के सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि इस शुभ कार्य में और इस सामाजिक कार्य में वो जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं वो बेहद प्रशंसनीय है।